दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल एबीटेक में। दोस्तों आप सभी के लिए नए शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन को लेकर के एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। आप लोग जानते हैं 15 मार्च को आयोग के 12 सदस्यों ने नियुक्ति कर ली थी, ज्वाइनिंग कर ली थी, लेकिन अब यहाँ पर अध्यक्ष की भी नियुक्ति कर दी गई है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश शासन के एक बड़े आईएएस अधिकारी को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। न्यूज़ बिल्कुल ऑथेंटिक है, तो वीडियो को आप लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। समाचार पत्रों के माध्यम से आपने ये देखा होगा कि जहां पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड था, सेम उसी बिल्डिंग में नया शिक्षा सेवा आयोग बनाया गया है। अब इस नए आयोग का नाम है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बोर्ड बदल दिया गया है, बिल्डिंग वही है पुरानी वाली। और देखिए यहाँ पर उसी के बारे में कल समाचार पत्रों में दिया था और आज भी, ये हिंदुस्तान की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको आज की डेट में खबर मिल जाएगी, जहाँ पर देखिए बताया गया है कि उसी आयोग उसी बिल्डिंग में जो है नया आयोग चलेगा और यहाँ पर जो सदस्य हैं वो अपना काम शुरू कर दिए हैं। हालांकि जब तक कोई लीडर नहीं होता है तब तक थोड़ी सी दिक्कत आती है, इसी सब को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो अध्यक्ष की भी नियुक्ति कर दी गई है। ज़्यादा देर न करते हुए यहाँ पर मैं आपको ये खबर दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए आप लोग, ये वो आयोग के सदस्य हैं जो कि तस्वीरें में आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे न्यूज़ को तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा को कार्यवाहक अध्यक्ष का प्रभार, इनको अभी कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया, परमानेंट अध्यक्ष नहीं रहेंगे। जब तक परमानेंट अध्यक्ष नहीं आ जाते तब तक ये कार्यवाहक के तौर पर काम करेंगे। अब कार्यवाहक का मतलब सिर्फ है कि पावर सभी इनके पास रहेंगे, सिर्फ ये परमानेंट नहीं है। परमानेंट के लिए आप लोग जानते होंगे विज्ञापन जारी किया गया था, तो विज्ञापन के थ्रू जो भी अध्यक्ष आएंगे वो एक तरीके से परमानेंट होंगे। हालांकि वो भी अधिकतम 65 वर्ष की जो एज होती है रिटायरमेंट की, उसकी तभी तक वो रह पाएंगे, या जो भी 3 साल 5 साल की समय सीमा उनके लिए वो रहेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आप देखेंगे तो 22 मार्च की बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है, 12 बजे की अपडेट है, जहाँ पर MP अग्रवाल जी को जो कि प्रमुख सचिव थे इनको कार्यवाहक अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। अब यहाँ पर खबर को विस्तार से बताया गया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा MP अग्रवाल को कार्यवाहक अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। विशेष सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी की ओर से 20 मार्च को जारी पत्र के अनुसार आयोग के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रमुख सचिव को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। गौरतलब है कि आयोग के नवनियुक्त सभी 12 सदस्यों ने 15 मार्च को लखनऊ में कार्यभार ग्रहण कर लिया था। उस दिन सदस्यों के साथ बैठक में प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा MP अग्रवाल ने सभी सदस्यों से लंबित भर्तियों के लिए प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए थे। तो लंबित भर्तियां कौन कौन सी, आप लोग ये भी जानते होंगे, लंबित भर्तियां हैं TGT PGT 2022 की और असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 की, यही भर्तियां हैं जो लंबित हैं, बाकी सबके नए विज्ञापन जारी होंगे। तो उस दिन लखनऊ में निर्देशित किया गया सभी सदस्यों को। और आगे देखिए लिखा है कि उसके बाद 18 मार्च को 3 सदस्य राम सुचित, KC वर्मा, डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने, जबकि बुधवार को RP सिंह, डॉक्टर सीमा साके, डॉक्टर राधाकृष्ण दीक्षित और डॉक्टर हरेंद्र राय ने आयोग में कामकाज भी संभाल लिया है। अन्य सदस्यों के भी इसी महीने कामकाज संभालने की उम्मीद है। आयोग के सचिव और परीक्षा नियंत्रक समेत अन्य पदों पर प्रतिनियुक्ति पर तैनाती होनी है और इसके लिए पत्र तो जारी हो गया है। माना जा रहा है कि निर्वाचन आयोग की अनुमति लेकर के इनकी भी जो ज्वाइनिंग है वो कर दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के आप लोग देख लीजिए, ये आपका नया आयोग है, अब नए आयोग के नाम से जाना जाएगा। चयन बोर्ड का अस्तित्व पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, अब डॉक्टर MP अग्रवाल ही ये पहले अध्यक्ष रहेंगे। फिलहाल अभी चुनाव की आचार संहिता लगी हुई है और ऐसे में जो अध्यक्ष हैं इनका पूरा जोर रहेगा इस समय को यूटिलाइज करने के लिए, क्योंकि परीक्षा फिलहाल चुनाव के बीच में तो पॉसिबल है नहीं,
तो जो भी परीक्षा की तैयारियां हैं वो यहां पर करवाई जा रही हैं। सबसे पहले तो आयोग में सदस्य सभी आ जाएं, कार्यवाह के अध्यक्ष आ ही चुके हैं, उसके बाद मीटिंग हो जाए कि क्या कैसे करना है। इसके बाद यहाँ पर जो भी औपचारिकताएँ हैं वो सब पूरी हो जाएंगी और इसके बाद जो है वो परीक्षा की तैयारी शुरू होगी। तो फिलहाल परीक्षा की बात करें तो परीक्षा चुनाव बाद ही होंगी, जुलाई तक ज़्यादा संभावना कि जुलाई तक ये परीक्षा या उसके बाद करवाई जाएंगे, उससे पहले तो पॉसिबिलिटी कम ही दिख रही है। लेकिन ये है कि तब तक जो बाकी काम है वो आयोग पर होते रहेंगे तो थोड़ा सा जो है परीक्षा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बाकी आयोग के पास अभी काम बहुत ज़्यादा है, नया आयोग है, पूरी तरीके से सारी चीज़ें सेटअप कर रही हैं, चाहे वो परीक्षा एजेंसी का चयन हो या जो एक्सपर्ट पैनल होता है उनका चयन हो, इन सब में टाइम लगेगा। और इसके बाद जो पेंडिंग भर्तियाँ हैं पहले वही कराने का पूरा जोर है आयोग का। तो अगर हम टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं की बात करते हैं तो मान लीजिए आयोग की प्रमुख प्राथमिकता यही रहेगी। अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी छोड़ दिए हैं या इंतज़ार कर रहे हैं जब सब कुछ हो जाए तब हम शुरू करें तो आप इस धोखे में ना रहिएगा। हो सकता है परीक्षा जुलाई में भी हो जाए, हो सकता है जून में भी हो जाए, क्योंकि अब अध्यक्ष और सदस्य आ चुके हैं तो पेंडिंग काम निपटा करके बाकी जो परीक्षा है उनको करवाना ही है। तो परीक्षा के लिए अपना प्रिपेयर रहिएगा, बाद में ऐसा ना हो कि आप लोग भी धरना दें कि नहीं परीक्षा तो बहुत जल्दी हो रही है इसमें हमें और समय दिया जाना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आप लोग अपनी तैयारी पूरी रखिएगा, ठीक है। बाकी चैनल के माध्यम से हम सारी अपडेट आपको देते रहेंगे, जो कुछ भी ऑथेंटिक अपडेट निकलेगी वो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा या आप चाहें तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, सारी अपडेट वहां पर भी आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। बाकी कोर्स वगैरह परचेज करना चाहें तो साइंस का कोर्स हमारे यहां अवेलेबल है। बाकी सभी विषयों की टीजीटी के तो लगभग सभी विषय हैं, पीजीटी के कुछ विषय हैं जिनकी टेस्ट सीरीज भी हमारे यहाँ अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, बिना उसके थोड़ा सा राह कठिन है, तो आप देख लीजिएगा। बाकी आप लोग सब लोग समझदार पहले से हैं, जो लोग पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको थोड़ा सा गाइड करने की आवश्यकता है, बाकी जो एक्सपीरियंस्ड हैं कई बार टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम दे चुके हैं उनको ऑलरेडी मालूम है क्या होता है कैसे पेपर आता है, तो वो अपने हिसाब से तैयारी करते कर ही रहे होंगे। आप लोग भी तैयारी करते रहिएगा, बाकी अपडेट हम आपको देते रहेंगे, ठीक है। और हाँ, अगर आप टेस्ट सीरीज वगैरह देख रहे हैं तो एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, कोर्स साइंस का देख रहे हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, एग्ज़ाम प्रिपरेशन बाय एबीटेक ये हमारा एप्लीकेशन है, यहाँ से आप कोर्स और टेस्ट सीरीज एक्सेस कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।